In this video now I will tell you how to install fog lights in the Nest One. जो दिख रहा है ना ये fog light, मैंने कैसे लगाया इसका वायरिंग पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपकी भी किसी बार गाड़ी में भी लगा सकते हो, वायरिंग तो सेम ही है, मैं बताता हूँ। ये लाइट लेके मैं 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही है भाई। लाइटिंग इसका लाइटिंग पावर में भी कोई कमी नहीं है, पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है। दिखाता हूँ आपको एक बार इसका लाइटिंग, दो देख सकते हैं ना, ये वाइट वाला है, एक वाइट आता है, एक येलो। ये कभी फॉग में इसका यूज़ होगा आपको, बहुत सही है भाई। इसका बताता हूँ मैं, इसका वायरिंग कैसा लगाया मैंने NS में, ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बात क्या करना होगा पूरा बताता हूँ। जो ये फॉग लाइट है ना, ये फॉग लाइट का तीन वायर आता है, तीन वायर इसका, तीन वायर आता है इसका, तीन वायर आता है। क्या करना होगा, और स्विच लगाया मैंने, देख सकते हो स्विच, ये वाला स्विच, ये स्विच मैंने, ये दिख रहा है ना मूविंग्स, ये स्विच मैंने अमेजोन से लिया है। ये स्विच पड़ा 600 रुपीज़ में, और ये लाइट पड़ा है 8 बॉज का, ये 1900 में पड़ा है भाई। वो स्विच दिखाया ना, उसका दो स्विच है, एक स्विच का 3 वायर है और दूसरा स्विच का भी 3 वायर है। ये लाइट का 3 वायर है, इसका भी 3 वायर है, बताता हूँ पूरा वायरिंग का प्रोसेस। ये लाइट है ना, ये ग्रीन है, ब्राउन है, ये नेगेटिव है, अर्थिंग में जाना होगा। ये स्विच का 2 वायर है, और जो दूसरा 2 वायर ब्लैक वायर दिखाता हूँ, ये ब्लैक, ये दोनों ब्राउन कलर का वायर स्विच से लिया है, और ये दोनों ब्राउन ब्लैक वायर लाइट का है, ये फोग लाइट का। ये दोनों क्या करना है, अर्थिंग देना, ये दिख रहा है ना ऐसा, वो अर्थिंग कर देना है, हो जाएगा। और दूसरा ये ब्लू कलर वायर है ना, ये ब्लू कलर का स्विच का, कोई भी स्विच ले लो आप, दो स्विच में ब्लू वायर आपको मिलेगा, एक ब्लू वायर आप स्विच वन का, जो फोग लाइट है ना वो फोग लाइट का एक येल्लो वायर आता है, दूसरा फोग लाइट का भी येल्लो आता है, दो येल्लो वायर लेके ब्लू कलर स्विच है ना उसको लगा के टेपिंग कर देना, समझ गए ना। ब्लू कलर का स्विच को ब्लू कलर वायर में, ये फोग लाइट का दो येल्लो वायर आता है, वो दोनों जोड़ के स्विच वन का ब्लू कलर वायर में, दो येल्लो वायर दो दिख रहे हैं ना, येल्लो दो वायर है, देखो दो वायर, ये ब्लू कलर का स्विच का दोनों लगा देना, एक एक बन जाएगा, और दूसरा एक येल्लो वायरिंग का लाइटिंग का है, दूसरा देख दूसरा बता सकेंगे, साइड कर देना आप, देख अभी देखो ये ब्लू कलर का स्विच टू का है, ये स्विच टू का ये दो वायर है ना रेड कलर का, दो रेड कलर का वायर इसका फोग लाइट का है, दो दिख रहे हैं ना रेड कलर का वायर आपको, इधर देखो दो दो रेड कलर का वायर ब्लू कलर का स्विच टू में लगा देना, हो गया प्रोसेस। आपको बचेगा पूरा स्विच का 3 वायर आता है ना, दो इसमें चला गया और दो ब्लू कलर का स्विच वन में दो गया, और दूसरा स्विच टू का में दो चला गया, और बचता है स्विच का दो ब्लैक वायर आता है स्विच में भी, और बचेगा आपको स्विच का दो ब्लैक वायर, स्विच का दो ब्लैक वायर बचेगा, वो इग्निशन में डाल देना होगा। इग्निशन कहाँ मिलेगा आपको, पूरा हेड NS200 का हेड खोल दिया तो उसका अंदर रहता है, वो ग्रे कलर का सॉकेट में दो वायर रहता है, एक
इसका स्ट्राइपिंग मिलेगा, दूसरा काली काली सा वायर मिलेगा। काली सा वायर में आपको दो ब्लैक कलर का स्विच का वायर रखना, उसमें डाल नेगेटिव का, उसमें डाल दें, सॉकेट में घुसा के सॉकेट क्लोज कर देना, बस प्रोसेस बन जाएगा, आपको लाइट जलेगा भाई। बस इतना ही है प्रोसेस, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो।